नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। जहाँ एक और शासन व प्रशासन अवैध उत्खनन के कारोबार को लेकर कमर कसने में लगी है, तो वहीं बिराट तहसील क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कारोबार जोरों पर सक्रिय है। अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बिराट थाने का सीना चीरते हुए बिराट तहसील की नाक के आगे से दिन प्रतिदिन फर्राटे भरते हुए निकल रही है और वहीं प्रशासन व शासन का चुप्पी साधे रहना उनकी साठगांठ को स्पष्ट करता है। क्षेत्र में पत्थर, रेत और मुरम की लगभग एक भी खदान स्वीकृत नहीं है। इसके बावजूद इन दिनों बिराट कस्बा अवैध रेत, पत्थर और मुरम की सप्लाई का प्रमुख केंद्र के तौर पर उभर रहा है। जिस दिन से बिराट तहसील का प्रभार तहसीलदार को मिला है, उस दिन से अवैध रेत का उत्खनन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। पुलिस और राजस्व खनन माफियाओं की तिकड़ी मिलीभगत के चलते पार्वती नदियों पहाड़ी इलाकों में भू राजस्व की खदानों से रेत और मुरम का अवैध उत्खनन जोरों पर चल रहा है, लेकिन बिराट तहसील मुख्यालय पर बैठे जिम्मेदार अफसरों को यह दिखाई नहीं देते। अवैध रेत के अवैध उत्खनन से जहां प्रशासन को लाखों रुपए के राजस्व की चपत लग रही है, तो वहीं बैराट तहसील के पिपलोदा, रायपुर, एचवाड़ा, हररई, फूलीपुरा गांव के पास जिस नदी से अवैध रूप से रेत खनन की जा रही है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत खुलेआम दिखाई दे रही है। तो वहीं गुप्त सूत्रों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बात करें तो अधिकारियों व पुलिस प्रशासन के द्वारा खनन माफियाओं से हर महीने एक मोटी रकम ऐंठ ली जाती है और उनको खुलेआम अवैध उत्खनन करने की मंजूरी दी जाती है। बजरी ले जा रहे हैं, नहीं किसी मंत्री के संरक्षण में, किसी पुलिस वाले के संरक्षण में या किसी तहसील के संरक्षण में, जब किसी के संरक्षण में हो तो इस तरह अवैध रूप से क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, गांव में किन लोगों के कहने पे गांव में ले जा रहे हैं? कोई हम लोग गांव के हैं, हम गांव के लोग हैं, हमको पता है कोई हनुमान जी का मंत्र नहीं बन रहा। हनुमान जी का मंत्र बन के कम्प्लीट हो चुका, हनुमान जी का मंत्र बन के कम्प्लीट हो, ये इस प्रकार के कई बहाने ले रहे हैं स्टेशन वाले, मतलब ऐसा किसी ना किसी का बहाना रहे। हम ट्रैक्टर वाला कहाँ है बताओ, क्या मंत्री के कहने पर लाते हैं या किसी तहसीलदार के कहने पर ला रहे हैं? इनके संरक्षण में ला रहे हैं तुम लोग? मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे शिवपुरी जिले में 5-5 मंत्रियों के होते हुए भी इस प्रकार काला धंधा अवैध रूप से बजरी। मैं मामा शिवराज को धिक्कारता हूँ कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में 5-5 मंत्री तो आपने दे दिए, लेकिन इस तरह का काला धंधा रहा है, इस पर अंकुश लगाओ। आप कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए मामा शिवराज, अगर इन पे धंधा नहीं लगाया तो मामा शिवराज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि इसी गांव के लोग एकत्रित होकर के तहसील में धरना प्रदर्शन करेंगे इस कालाबाजारी को बंद करने के लिए, इस काला धंधा को बंद करने के लिए। मामा शिवराज, आप अवैध रूप से उत्खनन चलाने में क्या आपका भी हाथ है? अगर नहीं है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सख्त सख्त कार्रवाई करते हुए आप अपने मंत्रियों को और प्रशासन को और इस विभाग को आदेशित करिए और इन ट्रैक्टरों को अवैध रूप से रोकने में मदद करिए और इनको कठिन से कठिन सजा दिलाएं। बैराड़ में अवैध जो रेत खनन है, जो नदियों से हमारे किसान लोग ला रहे हैं, वो अवैध नहीं है, सरकार करा रही है, सरकार में बैठे लोग करा रहे हैं। अभी बीच में सूचना आई थी कि हमारे पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री के साथी राजेंद्र पिपलोदा कोई इस नदी का ठेका लेके आए, जो फर्जी था, उसमें इन्होंने रसीद वगैरह भी बनाई काटी और वो प्रकाश में आया लोगों के। बीजेपी के लोग दबाव देकर इनके नेता ज़्यादातर, अभी का मामला है कि हमारे जनपद के सदस्यों को भोपाल जबरदस्ती पकड़ के ले जाया गया था, नगर पंचायत के लोगों को भोपाल ले जाया गया था। मुझे सूत्रों से पूरी जानकारी मिली है, वो अधिकारियों ने उनकी गाड़ियों की व्यवस्था की, एक गाड़ी का खर्चा 10,000, 12,000, 15,000 तक आया। वो उनकी वसूली के लिए बीजेपी के नेताओं ने इन अधिकारियों को डेपुट कर रखा है कि आप खुद कमाओ और हमारे खर्चों को
चलाने के लिए हमारी समय समय पर जो हमारी ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति करने के लिए ये अवैध खनन चलता है। अगर प्रशासन चाहे तो एक ट्रैक्टर बजरी उत्खनन नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें मिली भगत से बीजेपी के लोग ये धंधा कर रहे हैं और ये धंधा करा रहे हैं। ज़्यादातर उन्हीं के लोगों को ट्रैक्टर हैं। अगर प्रशासन पुलिस उनको रोकना चाहती है, तहसील उनको रोकना चाहती है, एसडीएम साहब ने अभी बीच में 3 ट्रैक्टर पकड़े थे, थाने में रखे गए, हमने उनको देखा, तो उस पर एसडीएम साहब पे काफ़ी बीजेपी के बड़े नेताओं का, मंत्रियों का इतना दबाव चला, क्या ये मेरे लोग हैं, मेरे कार्यकर्ता हैं, ये उत्खनन कर रहे हैं तो ये ट्रैक्टर किस्त कहाँ से भरेंगे और इनको आपको छोड़ना चाहिए। एसडीएम साहब ने अपनी मजबूरी बता के कि इनका हमने कागज़ बना दिए हैं। उस दिन से आज दिन तक एक ट्रैक्टर न पुलिस ने पकड़ा है, न एक ट्रैक्टर किसी तहसील के अधिकारी कर्मचारी ने पकड़ा है, क्योंकि इनको संरक्षण हमारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग और नेता लेवल के, मंत्री लेवल के लोग इसको संरक्षण दिए हुए हैं, इसलिए इस पर तो कोई प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। विरार से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकर की रिपोर्ट।